प्रिय सलाई, राम राम। सलाई, आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि। फरवरी माह 2024 कैसा रहेगा? पूरा महीना आपके लिए कैसा? आपका स्वास्थ्य रहेगा कैसा? आपका करियर रहेगा? छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना? कैसे आपके रिश्ते संबंध रहेंगे? आज हम आपको पूरे विस्तार में बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो में। सलाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस महीने सलाई, अगर सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वाले पूरे महीने मौज करेंगे, बहुत अच्छी सेहत रहेगी, ऊर्जा बहुत रहेगी। इस महीने किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। कभी कभी थोड़ा पुरानी बीमारी को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, वो भी इसलिए कि आपके अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो इसलिए राहु छोटी मोटी परेशानी कभी दे सकता है, मगर कोई बड़ी परेशानी ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। वो भी एक दो दिन के लिए आपको परेशान कर सकता है, वैसे कोई बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए पूरा महीना आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब बात करें, अगर ये महीना विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए कैसा रहने वाला है? विद्यार्थियों की अगर बात करें तो बहुत ही सुंदर महीना रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। जो क्षेत्र कला के क्षेत्र से हैं, टेक्निकल क्षेत्र से हैं, उनको अच्छी सफलता मिलेगी इस महीने। बहुत अच्छी सफलता मिलेगी उनको, और इस महीने छात्रों की मेमोरी बहुत अच्छी काम करेगी। जो भी याद करोगे आप भूलोगे नहीं। इस महीने जो भी छात्र परीक्षा देंगे, परीक्षा में अच्छे से पेपर करेंगे और उनका परिणाम भी उनको अच्छा मिलेगा, यानी कि खुशी ही खुशी है विद्यार्थियों के लिए। कोई दिक्कत सन में नहीं आ रही है। तो अब बात करें, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे इस महीने? आपके संबंध कैसे रहेंगे? रिश्ते संबंध की अगर बात करें तो प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, बहुत ही शुभ समय है। पूरा महीना बहुत ही अच्छा बीतेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा तालमेल रहेगा वैवाहिक जीवन में भी, प्रेम संबंध में भी। जो भी सिंगल हैं हमारे सिंह राशि के जातक, उनको प्रेम संबंध में कोई न कोई अच्छा साथी मिल सकता है, और जो भी जातक हमारे सिंह राशि के विवाह योग्य हैं, इस महीने उनकी शादी तय हो सकती है और एक अच्छा जीवन साथी उनको मिल सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं इस महीने, तो बहुत ही शुभ महीना बीतेगा ये सिंह राशि वालों के लिए। और जिन सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन में पहले से मनमुटाव चल रहे थे, उनका मनमुटाव अब खत्म होगा, समाप्त होगा और जीवन अच्छे से बीतेगा। खुशी ही खुशी होगी इस महीने। और अभी तक जो संतान के लिए सोच रहे थे, तो इस महीने संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। बहुत अच्छा समय है, तो बहुत ही खुशी का ये महीना है सिंह राशि वालों के लिए। काम कारोबार की अगर बात करें, आपका व्यवसाय कैसा चलेगा,
करियर की बात करें तो बहुत ही पावरफुल स्थिति में हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए बहुत ही सुपर महीना है, बहुत ही अच्छा मुनाफा देगा इस महीने, उनके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे, जबरदस्त लाभ होगा इस महीने। जो भी आप व्यापार करते हैं सिंह राशि वाले, इस महीने आप खूब धन इकट्ठा भी कर पाएंगे, और जो लोग राजनीति में हैं उनको भी बहुत फायदा मिलेगा, मान सम्मान खूब मिलेगा इस महीने, और व्यवसाय तो बहुत तेजी से चलेगा उनका, खूब अपार धन आएगा इस महीने, आप धन जोड़ पाएंगे। और जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, समय बहुत ही अच्छा है, नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है इस महीने, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान खूब बढ़ेगा, बॉस के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, आपके कार्य की सराहना की जाएगी इस महीने। ये पूरा महीना आपके लिए बेस्ट है, बहुत ही शुभ समय है, इसका फायदा उठाइए आप। हर क्षेत्र से आपके लिए बढ़िया है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, बस अष्टम भाव में बैठा राहु छोटी मोटी परेशानी दे सकता है, उसके लिए आप उपाय करिए। तो उपाय क्या है कि 6 बुधवार लगातार बहते पानी में नारियल प्रवाह करें, और अष्टम भाव में बैठा राहु, उससे आपको शांति मिलेगी, जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। और सिंह राशि वाले इस महीने पूरे दिन गुस्सा कम करें, शांति में दिमाग रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें, बात बात पर गुस्सा न करें, बहुत सोच समझ के आपस में बोलें। परिवार में रिश्तेदारी में आपके लिए बहुत ही अच्छा पूरा महीना बीतेगा, और गणेश जी की आराधना करें। और सिंह राशि वालों में अहंकार जल्दी आ जाता है, तो इसलिए अहंकार से बचें और उपाय करें, आपके लिए बहुत ही शुभ समय है, आपको पूरा फायदा मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए अहंकार से बचें, गुस्सा ना करें, आपके लिए पूरा महीना शुभ है। वीडियो अगर अच्छी लगे, 100% वीडियो बिल्कुल सत्य है, भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और जितने भी सिंह राशि के हैं आपके सलाई सबको शेयर कर दें वीडियो, और कमेंट्स बॉक्स में जय सियाराम जरूर लिखें। जय सियाराम।